कैसा होगा मध्य प्रदेश का रन? क्या मामा बचा पाएंगे कुर्सी या कमलनाथ की होगी वापसी? क्या है चंबल संभाग का मूड? क्या फिर से महाराज बन पाएंगे किंग मेकर? नेताओं के वादे, जनता के इरादे। प्राइम न्यूज 24 ला रहा है मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर विशेष कार्यक्रम, खास मुलाकात। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भिंड जिले की महगांव विधानसभा में एक गांव ऐसा है जो आजादी के बाद से आज तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सका और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ने इस गांव की ओर रुख किया। मात्र वोट की राजनीति कर ग्रामीण जनों का हो जाता है ध्रुवीकरण। खास मुलाकात में स्पेशल खबर के लिए निकले प्रदेश ब्यूरो इमरान अली खान। विधानसभा महगांव गोरमी तहसील के परोसा पंचायत के लवेरा का पूरा गांव की जहां पर प्राइम न्यूज खास मुलाकात में खबर बनाने निकले तो जैसा सुना था उससे कहीं हद तक हालात बदतर नजर आए। चलने के लिए कच्चा रास्ता, रास्ते में कुंवारी नदी मिली। जिस गाँव जाना था उस गाँव कुंवारी नदी से होकर निकलना पड़ता है। मवेशी चराने वाले एक युवक से पूछा नदी में पानी कितना है तो उसका कहना था कि नदी का सुबह से जल स्तर बढ़ रहा है, आप जल्दी निकल जाओ, खबर बनानी थी। तो हिम्मत जुटाकर अपनी जान जोखिम में डालकर गांव लबेरा का पूरा गांव पहुंचा और खबर बनाई। जब प्राइम न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से बात की तो हकीकत सामने आई। आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक सड़क, बिजली की मूलभूत सुविधा से वंचित ग्रामीण लोग स्वास्थ्य, शासन की हितकारी योजनाओं से लेकर शिक्षा की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चे गोरमी स्कूल तक नदी में घुसकर पहुंचते हैं, जान जोखिम में डालकर कुंवारी नदी पार करके जाते, जिससे जान का खतरा बना रहता है। इसकी शिकायत काफ़ी बार स्थानीय विधायक और शासन के नुमाइंदा कलेक्टर से भी कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। सरपंच, सेक्रेटरी, ग्रामीण लोगों का अशिक्षित लोग होने का जमकर फायदा जुटा रहे हैं। नीला पीला, मजदूरी पंजीयन, आंगनबाड़ी केंद्र, पशुपालन केंद्र, शिक्षा विद्यालय आदि योजनाएं ग्रामीण जन तक नहीं पहुंची हैं, जिससे ग्रामवासी आज भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदेश ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। मेरा नाम सूरज सिंह कुशवाहा है, ग्राम लोहरा का पूरा पोस्ट परोसा, थाना गोरी पड़ता है, जिला भिंडा है मेरा। मैं पढ़ने में दिक्कत आती है, जाते हैं तो साइकिल कम से कम यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, यहाँ से हम वहाँ से पैदल आना पड़ता है, वहाँ से साइकिल उठाते सब जाते हैं, ना यहाँ तक कोई गाड़ी आ पाती है, ना जाने में दिक्कत है सब। और यहाँ से गोर में जाना पड़ता है तो जिला में जाना पड़ता है, नदी क्रॉस करने जाना पड़ता है, वहाँ पर नदी चढ़ा आती है चौमासी है, क्या करें अब, ये बने पढ़ नहीं पा रहे हैं, समस्या है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं, पढ़े कैसे। करीब करीब कितनी आबादी होगी यहाँ? कभी से यहाँ 500 आबादी होगी, 500 वोट होगी, 500 वोट होंगे यहाँ पे। बताइए क्या समस्या है आपकी? हम लाइट नहीं है यहाँ हमारे यहाँ, और सड़क नहीं है, आने जाने में बहुत परेशानी है, और कोई चीज़ की व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ पे। कब से? बहुत दिनों से, कब से का पता ही नहीं है, बहुत दिनों से है ही नहीं है लाइट की व्यवस्था, सड़क कोई व्यवस्था, आने जाने में बहुत परेशानी है। बाबा दादा बपरा हमें जाना आना पड़ता है, तो नदी क्रॉस करके जाना आना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप कभी कोई किसी के साथ हादसा तो नहीं हुआ नदी में जब आप नदी पार करते हैं? नहीं अभी तो नहीं हुआ, हो भी सकता है, क्या है। कड़ती नदी में 2 परोसा के मरे गए सर, डर लगता है जाने आने में, बहुत ज्यादा परेशानी है सर। तो आपने इसकी शिकायत किसी से नहीं की? शिकायत विकायत यहाँ आते हैं सिर्फ लोग वोट मांगने के लिए, खूब बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सरपंच से बोल दिया, सब सबसे बोला, सेक्रेटरी से बोल दिया, सबसे बोल दिया, कोई नहीं सुनाई देना।